नमस्कार, राग परिचय में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं कल्याण फैमिली के साथ में, इस बार राग केदार के साथ। केदार बहुत पुराना और काफ़ी लोकप्रिय राग है। लोकप्रिय होने के कारण इसको काफ़ी उपयोग में लाया गया है हिंदी फिल्म संगीत के लिए। जिस धुन से मैंने शुरुआत की थी वो था फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का गाना, ओपी नैयर जी ने बनाया हुआ। बहुत खूबसूरती से केदार में शुरू होता है। आगे चल के एक बहुत अच्छा गीत बना था केदार पर आधारित, वसंत देसाई जी का कंपोजिशन था फिल्म गुड्डी के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमको मन की शक्ति देना। सुनते हैं थोड़ा सा गाना और फिर उसी में से निकलेगा राग केदार का चलन। अंतरा भी निकलता है केदार ही को लेकर। आगे चल के देखते हैं केदार की तरफ, तो बाकी सारे कल्याण रागों की तरह केदार भी उत्तरांग में बिल्कुल कल्याण, पूर्वांग में एकदम ही अलग हो जाता है। देखते हैं क्या होता है पूर्वांग में। सीधे षड्ज से मध्यम और फिर म गा प जो कल्याण हमने देखा था, आगे चल के एक बहुत ही खूबसूरत बात होती है। ये जो धैवत से मध्यम आना है ये बिल्कुल बिल्कुल केदार और कुछ हो ही नहीं सकता, और बीच की सारी जगह लेते हुए, बीच में पंचम है तीव्र मध्यम है, सब को टच करते हुए धैवत से मध्यम की ये जो मीन है ये केदार दिखा देती है। और फिर मरे सा सम म प प, और फिर बीच में तीव्र मध्यम आता है। म प ध म प, तीव्र मध्यम से लेके शुरुआत करके फिर धैवत और फिर शुद्ध मध्यम तक, ये जो इसका डिज़ाइन बन जाता है ये बहुत बहुत ही आश्चर्यजनक है।
भी हो रहा है, प म म पंचम तीव्र मध्यम शुद्ध मध्यम। हमारे रागों में एक नियम है कि अगर एक ही सुर के दोनों स्वरूप शुद्ध और कोमल, इस उदाहरण में शुद्ध और तीव्र है, शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम है, ऐसे अगर इस किसी राग में आते हैं तो वो दोनों एक के पीछे एक, एक को लग के एक सहसा नहीं आते। केदार उसमें अपवाद हो जाता है। क्या हो रहा है? हम मध्यम दिखा नहीं रहे हैं लेकिन टच करके आ रहे हैं, तीव्र मध्यम को टच करके आ रहे हैं। और फिर ऊपर जाने के रास्ते सब कल्याण के एक ही। ये एक रास्ता हो गया। या फिर उत्तरांग में नीचे आते हुए अवरोह में जब षट से नीचे आ रहे हैं तो और एक बहुत सुंदर सी घटना घटती है। कोमल निषाद का प्रयोग होता है, बहुत सुंदर लगता है। ये पर ऐसा बिल्कुल कल्याण वाचक। यहाँ एक बात फिर उभर के सामने आ रही है कि चलन व्याकरण सबको पीछे छोड़ के राग का जो धुन स्वरूप है वो इतना प्रबल हो जाता है। जब हम पूरा पूरे सप्तक में पूरी रेंज में लेके चलते हैं तो ये और भी क्लियर हो जाता है। Thank you.
तो ये बहुत खूबसूरत केदार एक बंदिश सुनते हैं, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही लोकप्रिय बंदिश, कान्हा रे नंद नंदना। तीन ताल में बंधी हुई पारंपरिक बंदिश है। इस बहुत ही सुंदर केदार के बाद हम अपना कल्याण का सफ़र जारी रखेंगे। अगली बार देखेंगे राग कामोद।